कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में किए कई महत्वपूर्ण बदलाव। सबसे महत्वपूर्ण एंट्री प्रियंका गांधी वाड्रा की मानी जा रही है। सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस संगठन में महासचिव बनाया गया है और उत्तर प्रदेश में ईस्ट मामलों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये ट्रंप कार्ड इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठजोड़ हुआ, कांग्रेस गठबंधन में शामिल नहीं है, लिहाजा प्रियंका गांधी वाड्रा की ये नियुक्ति काफी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने करो या मरो का चुनाव बन गए आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपना तुरुप का पत्ता चल दिया है। लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा गांधी सक्रिय राजनीति में उतरने जा रही हैं और कांग्रेस ने उन्हें महासचिव बनाने का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगी, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बयान देते हुए उन्हें पावरफुल लीडर बताया। अपने अमेठी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पावरफुल लीडर हैं। हम चाहते हैं कि युवा चेहरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलें। चाहे प्रियंका हो, चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। गठबंधन का तोड़ माना जाए क्या इसे? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ। मायावती जी और अखिलेश जी ने अपना गठबंधन बनाया और हम तीनों का लक्ष्य बीजेपी को हराने का है। प्रियंका गांधी फरवरी के पहले सप्ताह में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी। पार्टी ने इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को एआईसीसी का महासचिव बनाया है। उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले मध्य प्रदेश में उन्हें डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलें थी। वहीं अब उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे गुलाम नबी आजाद को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। केशु वेणुगोपाल कांग्रेस संगठन के प्रभारी होंगे। ये पद अशोक गहलोत के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार चर्चाओं में था, लिहाजा इस पर अपने विश्वस्त सहयोगी केशु वेणुगोपाल की नियुक्ति कर कांग्रेस अध्यक्ष ने कई सियासी मैसेज दिए हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने एक के बाद एक कई बयान दिए। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इस फैसले का लोकसभा की कई सीटों पर असर पड़ेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने प्रियंका गांधी को महासचिव बनाए जाने पर कहा कि प्रियंका को जो जिम्मेदारी दी गई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसका असर केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ही नहीं होगा बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों पर भी इसका असर पड़ेगा। प्रियंका गांधी का सक्रिय राजनीति में आना और उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान दिया जाना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस क्षेत्र की कई सीटों पर कांग्रेस का अच्छा प्रभाव रहा है। फूलपुर से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद थे। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर समेत कई जिलों में कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव रहा है और कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उनमें एक नई ऊर्जा आई है। राहुल जी अध्यक्ष बनने के बाद में जो ऊर्जा होती वो अभी ये दोगुनी हो गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। और 2019 के चुनाव में राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनेगी, ये हम कांग्रेस कार्यकर्ता आशा करते हैं। और युवाओं को जिस तरीके से राहुल जी आगे बढ़ा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी जिम्मेदारी दी गई है और खास तौर पर जिनके संगठन कौशल को, प्रियंका जी के संगठन कौशल को अमेठी और रायबली रीवी में देखा गया था और इस संगठन कौशल का पूरे उत्तर प्रदेश में भी अभी और पूरे देश में इसका असर होगा और ये देश युवाओं का है और पूरा युवा निश्चित तौर पर अब कांग्रेस के साथ रहेगा। प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री ऐसे समय पर हुई है जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को महागठबंधन में जगह नहीं दी है। पहले भी कांग्रेस कहती रही है कि वो इस बार आम चुनाव में करिश्माई प्रदर्शन करेगी और ये फैसला उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। सियासी जानकार मानते हैं कि पूरी यूपी में कांग्रेस बेहद कमजोर है, ऐसे में प्रियंका गांधी पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी ने श्रीमती प्रियंका गांधी जी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया। इस नियुक्ति से लोगों में जबरदस्त जोश उत्पन्न हुआ है और अब वे इसमें दमखम के साथ में चुनाव प्रचार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, बहुत बड़ी तादाद में विधानसभा क्षेत्र उसमें आते हैं, तो मुझे विश्वास है कि वे जिस प्रकार की उनकी सक्रियता
रही है उस सक्रियता के साथ और अधिक सक्रियता के साथ वे चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी और हम चुनाव जीतेंगे। सियासी जानकार मानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस काफी कमजोर है, ऐसे में प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस ने प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री ऐसे वक्त हुई है जब लोकसभा चुनाव की चुनौती ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठजोड़ से बाहर होने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में ही मानी जा रही है। कहा जाता है कि केंद्र में सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लिहाजा प्रियंका गांधी की इस नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है। कैमरामैन संदीप के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।